तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर सीलमपुर, और उन्होंने कुछ किया है, होली आ रही है जैसे, तो होली के लिए कोई कान्हा जी का उन्होंने प्रोग्राम किया है, तो सबको बुलाया है, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं, चाची वगैरह सब जा रहे हैं, तो भाभी वाभी सब तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई, उनकी कॉल आ चुकी है कि तुम जल्दी आ जाना, बस वो जब नीचे उतरेंगे तो मुझे कॉल कर देंगे, फिर मैं भी चले जाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बुआ के घर क्या होगा, मस्ती तो होगी ओबियसली, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। मैं बुआ के घर जा रही हूँ और मैं ब्लॉगिंग डेली बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बड़ा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है और ना टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं जो फंक्शंस वगैरह होते हैं तभी व्लॉग बना पाती हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छे लग रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कुछ दिनों से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, वीडियो देख के ऐसा नहीं चली जाया करें, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और बेल नोटिफिकेशन बजा दिया करें ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस आ पाएँ, और आई होप मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं, ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस हम चौक पे बैठे हैं, देखो हमारे भाभी वाले के पास और भाभी नहीं खा रहे हो। गाइस हम चौक पे बैठे हैं भटूरे वाले के पास, भटूरे नहीं खा रहे पर मन कर रहा है खाने का। आई गई है ऑटो करने और चाची, ये देखो कीर्तन में जा रही है ये, अब जा रहे हैं हम, मस्ती करेंगे बहुत सारी, पर भटूरे देख देख के ना नाक में इतनी से खुशबू आ रही है, भूख लग रही है, फिर बुआ के क्या खाएंगे, बुआ के कि मैंने भी तो बनाया ना इसलिए नहीं खा रहे। गाय जी रिक्शे में बैठ गई, कहाँ जा रही हो? हम जा रहे सीलमपुर बाजार खरीदने, और मैं तो लहंगा पहले मैं लूंगी, लहंगा पहले मैं लूंगी, लहंगा फिर उसे पहनूंगी, फिर जाऊंगी पार्लर, फिर जाऊंगी बुआ के यहाँ, सही है। भाभी कहाँ गई? गाइस हम आ गए अपनी बुआ की गली में, ये हमारी भाभी सीलमपुर की गलियों में गई है सारी गली पहले अच्छा सूट ले लो गाइस सीलमपुर में बाजार से हम 2 मिनट दूर ही है, गाजर ले लो मेरी चाची तो सीधा बाजार जाने वाली है, इनको बहुत शौक है शॉपिंग का Thank you.
साइड में आ जाओ कह रहा था इनको भी हवा लग जाएगी थोड़ी सामने Okay.
Thank you.
ये मन्नत के दांत है, दांतली मन्नत। आर्टिस्ट बन रहे हैं, आर्टिस्ट ये दोनों। दर्शी आई लव यू वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। मम्मी ढल पे तब चलो दी, ढल पे दिखाइयो। ओए होए मोए मोए। पहले मैं खाऊंगी, लाओ दूंगी।
ये भूखा है, तो भूख लगे थी बिरयानी की। पाँच घंटे का कीर्तन बहुत अच्छी कीर्तन वाली है यहाँ की। पाँच घंटे का कीर्तन हुआ, हमारे वहाँ नहीं होता इतनी देर का, पर हम भूखे हैं बहुत, बहुत तेज भूख लग रही है। राधे राधे आनी रे जाओ हम अपने भाई का काम कर रहे हैं। प्रसाद इतना प्रसाद है गाइस, इतना प्रसाद है बहुत ज्यादा, जैसे जागरण नौ बड़ा वाला इतना प्रसाद। बहू जी चाय बनाओ, छोटी बहू छोटी बहू चाय बनाइएगा। इसमें साफ पानी है बाबू, इसमें चला दो पानी कम कर, ये बहुत के बालक जी है, ये लो हाँ। तो बुआ बाला जी की पूजा कर लेती हो तुम? भाई अभी तुझे बताऊंगी ना इनके बारे में। हाँ अच्छा, सुन के तो पागल हो जाएगी। अच्छा बाबू दूध भी ले लो, पानी कम दूध ज्यादा, और ये दो चीज की पत्ती और इसमें बहुत अच्छे है। रसोई कितनी अच्छी लग रही है, बुआ की रसोई तो देखा कितनी अच्छी लग रही है, मसाले साले कितने अच्छे तरह रखते हैं। मैं भाई ऐसे रखते हो भाई, हर चीज सटीक होनी चाहिए बाबू, अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो बहू? बहुत चाय बना रही बहू, छोटी बहू ऊपर तक भी दिखा भाई, अच्छी लग रही है हमारी। तुम देखते हो राधिका दीदी के ब्लॉग? मैं सब देखती हूं। मैं चाय बनाना सीख लो मेरे से इधर आओ। अरे मैया अब हम बनाएंगे चाय, हम बुआ जी के घर पे हम बना रहे चाय, और हम इसमें डाला पानी, हमने गैस ऑन कर, गैस ऑन करना तो भूलेगा, टाइम नंबर अच्छा लगा। हम इसमें डाल रहे पत्ती, अब हम इसमें डालेंगे चीनी, अब हमें उठ गई है खांसी। अब क्या डाल रही हो? अभी तो फिलहाल चीनी डाली है, और एक बुआ जी बता रही है शायद चाय का मसाला भी है, एंड अदरक, एंड ये चाय का मसाला सुहाना। अब हम इसमें चाय का मसाला डालेंगे चिन्ना सा, तूने दिखाया नहीं करते हुए, मेरी बुआ ने बात कर ली मेरी, कोई नहीं कोई नहीं, बाबू देखा जरूर देखा। अदरक कहाँ पे है? ये छोटी टोकरी में से ले लो, सब कुछ वही है बाबू। ये है अदरक, इसकी तो उसकी बना ली मैंने मन्ना, और इसमें ना नहीं वो निन्नी आली, देखो निन्नी आली है। बाबू तुम यही रह जाओ बुआ का।
कलर मारिया वो कलर मैं वाली बात सब कर दूंगा भाई नाचो भाभी तुम नाचो चाची नाचो ना भाभी नाचो जुनून नाच काली जामे आलूंगी मीठी मीठी बोलूंगी काली जामे चुलूंगी मीठी मीठी बोलूंगी मैं तो ढूंगे बेचोटी का वजन करूंगी मैं तो ढूंगे बेचोटी का वजन करूंगी मैं तो चुलूंगे मीठी मीठी बोलूंगी काली जामे चुलूंगे मीठी मीठी बोलूंगी पहले तो नाच लेंगे वो है ना नाच हल्दी में हल्दी में नहीं और फोटो ऐसा है झकास इसकी कमी और रह गई थी चलो ताई के भी लगाओ मैच ताई सबकी माँ बचा दी बाती नहीं रहे अच्छे लग रहे हैं
बाद तुम्हें ऐसी जाना चाक में मजाक की बात नहीं अच्छी लग रही है गाइस यहाँ का कीर्तन यहाँ की गली गुनगुन कह रही है यहाँ की गली तो दिखा दो गली अच्छी है बुआ की हमारी वो अच्छी गली में रहती है यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो बात है बुआ के पड़ोसी बहुत अच्छे हैं हाय नहीं बाय कैसा लगा होली टाइम निकल चुका है हमें अभी चाक में भी जाना है सिलमपुर बहुत घूम ले ये तो बाजार के लिए आई थी मणि हाँ वो गाड़ी ना जाने दे रही चलो बाय हमारी बुआ की कीर्तन था जो कि हम आए थे और अब हम जा रहे हैं और देखो हमारी बुआ की गली के बाहर बाजार भी है जो सिलमपुर बाजार है ना उसकी अगली गली में हमारी बुआ का घर दुकान है जीन्स भी कर रहे हैं सब चीज भी है ये वाली दुकान से वहां पे जीन्स मिलेगी बच्चों के कुर्ते पजामे और यहाँ सब्जी भी मिलती है सब्जी भी है चीज भी है वो खिलौने भी है बच्चों के ये पापड़ वापड़ भी मिलते हैं यहाँ परचून की दुकान और खेल खिलौने भी हैं और यहाँ से हम खिलौने भी ले सकते हैं चिड़िया चौमिन की भी दुकान है देखो आगे मक्के वक्के वो दुकान है ये देखो आपकी नोजी आ रही है ये देखो गाइस इसकी मम्मा को देखो आइडिया इसकी मम्मा का अगर आपके बच्चों के लिए भी ऐसा खो जाते हैंगी तो आप अपने बच्चों के हैंगी में रख सकते हाँ पॉकेट नहीं होता आप अपने बच्चों के टोपे में ऐसे फंसा सकते हो खोएंगे नहीं कभी फिर दोबारा नोजी पूछ सकते हो फिर दोबारा यहाँ रख सकते हो खोया नहीं है लड़की का नहीं तो बार बार हैंगी खो रहा था ये चाची पापड़ लेने गई है सिलमपुर के और हम वापस जा रहे हैं घर पे क्या पता यहाँ ऑटो मिल जाए सुबह तो हमें ऑटो ही नहीं मिल रहा था यहाँ आने के लिए फिर हमने बस ली और अब भी देखते हैं ऑटो मिलेगा या नहीं गाइस हम बैठ गए बैटरी रिक्शा में बैटरी रिक्शा में बैठ गए सिलमपुर बाय बाय हम जा रहे हैं हम तो अपनी जैकेट पहन गए हमें ठंडी लग रही हम जैकेट में ये इतनी केड़ी धूप में ना सुबह ये जैकेट पहन के बैठी नहीं बस में पर इनका अब काम आ रही है नहीं नहीं हमें अब मतलब हमें लग रही है पर हम बताएंगे गाइस हम अपने बेइज्जती नहीं कराएंगे ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं हाँ दिखाओ बर्फ गिर रही है बर्फ गिर रही है चाक में जाना है इन्हें